बीआरटीएस का प्रथम महत्वपूर्ण पहलू है इसका कॉरिडोर। इंदौर बीआरटीएस कॉरिडोर का पहला चरण निरंजनपुर से राजीव गांधी चौराहे तक कुल 11.5 किलोमीटर लंबा होगा। इस कॉरिडोर में विशिष्ट बस लेन्स रहेंगी, साथ ही रहेंगे साइकिल ट्रैक्स, पैदल चलने वालों के लिए फुटपाथ, सड़क किनारे बनी बेंचेस, सर्विस लेन्स आदि। बीआरटीएस का दूसरा महत्वपूर्ण पहलू है इसके बस स्टेशंस। ये बस स्टेशंस रहेंगे अत्यंत सुव्यवस्थित और शानदार। इनमें रहेगी अनेक अत्याधुनिक सुविधाएं जैसे सेंसर्स से चलने वाले दरवाजे। स्टेशन की ऊंचाई बस फ्लोर के बराबर रहेगी जिससे बसों में चढ़ना और उतरना आसान होगा। इन स्टेशंस में टिकट लेकर अथवा स्मार्ट कार्ड टैप करके प्रवेश किया जा सकता है। सड़क पार करके बस स्टेशंस तक पहुंचना सुविधाजनक बनाने के लिए पेडेस्ट्रियन क्रॉसिंग्स बनाए गए हैं। इन पर लगे विशेष पोल्स में पुश बटन सिस्टम रहेगा। यात्रियों द्वारा बटन दबाने पर आने जाने वाले वाहनों को कुछ ही देर में रुकने का संकेत मिलेगा। यातायात रुकने की अवधि में सड़क पार करके बस स्टेशंस पर पहुंचा जा सकता है। यह व्यवस्था सड़क के दोनों ओर रहेगी। बीआरटीएस के अंतर्गत संचालित की जाएंगी विशेष तौर पर डिजाइन की गई बसें। इन एयर कंडीशन्ड बसों में सफर करना एक आरामदायक अनुभव होगा। प्रतिदिन 40 से अधिक बसें लगभग 70,000 यात्रियों को तेज गति से अपनी मंजिलों तक पहुंचाएंगी। ये बसें जीपीएस तकनीक से लैस रहेंगी। इनमें इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्ले व घोषणाओं के माध्यम से यात्रियों को आवश्यक जानकारी प्रदान की जाएगी। साथ ही इन बसों को वर्तमान सिटी बसों से भी जोड़ा जाएगा।